सत्य खबर देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। अरे चैनल पर आए गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और यह घंटी भी बजा दियो। पलवल में बीएससी की छात्रा को खेतों में ले जाकर गैंगरेप करने वाले और 10,000 के इनामी तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर पुलिस ने रिमांड पर लिया हुआ है। पुलिस ने दो आरोपियों के कब्जे से 17,000 रुपए नकदी और सोने चांदी के आभूषणों को भी बरामद किया है। तीसरा आरोपी पहले भी 7 संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। जिसके FIR दर्ज हो चारखंड थाने में दर्ज हुई 14 तारीख को। उसमें लड़की की तलाश की गई। लड़की 16 तारीख को लड़की के साथ आकाश नामक व्यक्ति के साथ गई थी और दोनों को 16 तारीख को पुलिस ने बरामद कर लिया था सकुशल, और इसके बाद लड़की को मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल भेज दिया था। तो वो जानकारी के बाद जैसे लड़की ने बयान दिए कि दो व्यक्ति में जो आकाश के दोस्त थे भूरा और मोहन, उन्होंने लड़की के साथ गैंगरेप किया। तो जैसे ही सूचना आई पुलिस ने इस मामले में और गहनता से और अपनी पूरी तत्परता से काम किया और भूरा पहले मोहन को अरेस्ट किया गया और बुरा क्योंकि आपराधिक दोनों ही आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। मोहन पे 3 से 4 मुकदमे दर्ज हैं पहले चोरी के और एक गैंग 398-401 का मुकदमा भी है और बुरा की तरफ 7 मुकदमे दर्ज हैं पहले। तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 14 मई को छात्रा के पिता की शिकायत पर गुमशुदा का मामला दर्ज कर गहनता से जांच की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिनसे अब और भी वारदातों में शामिल होने का खुलासा हो सकता है। सत्य खबर के लिए पलवल से मुकेश बघेल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।